ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स बैठते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वही पढ़ाते हैं जो उनको पढ़ाना होता है। बच्चों को क्या पढ़ना है उनसे उनके कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि तब उनको रियलाइज़ होगा कि किस किस सिचुएशन से गरीब के बच्चे सफ़र करते। बिल्कुल सुधार सकते, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या स्थिति है एक्चुअली सरकारी स्कूल की। मुझे यही लगता है कि अगर हाँ ऐसा हो तो शायद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है एजुकेशन फील्ड में। वहाँ की इम्प्रूवमेंट होगी और वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। तो एक साथ इक्वालिटी के साथ लेकर चला जाए तो सब कुछ सही होगा। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ हमजा। हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की जिससे लगता है कि सरकार की किरकिरी हो सकती है, और वो टिप्पणी ये थी कि बिहार में कानून राज सिर्फ अब एक नारा लगता है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था ख़राब है इसको अगर सही करना है तो सरकारी अफसर के जो बच्चे बाहर प्रदेशों में जाकर पढ़ते हैं अगर वो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ें, उनको अगर ऐसा किया जाए तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही हो सकती है। तो हम आज पटना के जगह पे गए हैं, पटना के सड़कों पर निकले हैं, पटना के कैफे में पहुंचे हैं और जानते हैं कि पटना के लोगों की क्या राय है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं पटना के लोगों से क्या लगता है कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था अगर सही करना है जो ख़राब होती जा रही है तो सरकारी अफसरों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ने होंगे। या आई अग्री विद दिस कि हमारी जो सुपीरियर ऑफिशियल सब है उनके बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि तब उनको रियलाइज़ होगा कि किस किस सिचुएशन से गरीब के बच्चे सफ़र करते हो, और तभी वो स्टेप लेंगे आगे की ओर कि क्या क्या मतलब न्यू न्यू डेवलपमेंट करने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और वैसे हमारे बिहार में भी काफ़ी जैसे आई स्टडी इन कैलकाटा एंड दे आर यू बिहारी, आर यू फ्रॉम बिहार बोर्ड, इट्स सो सेम फॉर अस दैट आर यू बिहारी, व्हाट इज़ दिस दैट वी या आई कंक्लूड विथ इट। जी जी, क्या कहना है आपका इस पे, क्या कहना? बिल्कुल, अगर हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने इस तरह टिप्पणी की है तो ये अच्छा है। शिक्षा व्यवस्था में इसे बिल्कुल इसमें सुधार होगा, लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग सोचेंगे कि अगर अफसर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आम आदमी के बच्चे भी इसमें सुविधा बढ़ाई जाएगी और आम लोग को इससे फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, लोगों से। और साथ में ये भी कहा है कि जो कानून का राज है ये सिर्फ एक नारा बन के रह गया है। बिल्कुल ऐसा तो लगता है, कानून का राज जैसे शहर में दिन पर दिन इस तरह की घटनाएं जैसे हो रही है तो सरकार को एक कदम उठाना चाहिए कि ताकि शहर के लोग सेफ महसूस करें, जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश जाना चाहिए और ताकि एक अच्छा वातावरण पैदा हो हमारी राजधानी में। तो मुझे यही लगता है कि अगर हाँ ऐसा हो तो शायद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है एजुकेशन फील्ड में, बिकॉज उससे एक एजुकेशन का नया स्टैंडर्ड बढ़ेगा एंड ये इन्फ्लुएंस होंगे बाकी के लोग भी कि अगर इतने अच्छे पॉलिटिशियंस के बच्चे स्कूल सरकारी स्कूल में हैं तो फिर हमारे बच्चे भी होने चाहिए। और एक और टिप्पणी की है कि बिहार में कानून का राज सिर्फ नारा बन के रह गया, क्या आप इससे कितनी सहमत हैं? आपका नाम? मेरा नाम इप्सिता दास है जी। और मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ। आपने जो सवाल किया है मैं इससे सहमत हूँ। हम तभी सरकारी स्कूलों का बेहतरी कर सकते हैं जब हम अपने अफसर के बच्चों को भी वहाँ भेजें। वो एक तरह से लोगों के बीच में एक तरह से एग्जाम्पल सेट करेगा कि देखिए हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और क्योंकि वो सरकारी लोग होंगे उनके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो भी गलतियाँ हैं या जो भी सुधार है वो कर सकते हैं, बिकॉज वो खुद उसमें इन्वॉल्व्ड होंगे क्योंकि बात उनके बच्चों की होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो ये टिप्पणी की गई है बहुत सही है। हाँ, अगर वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजेंगे तभी उनका ध्यान मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स पर जाएगा, तब वहाँ की इम्प्रूवमेंट होगी और वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। क्योंकि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चे सिटी के टॉप एंड स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ की लाइमलाइट अलग होती है तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या चल रहा है। तो एज़ अकॉर्डिंग टू मी उन्हें अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ को और इम्प्रूव कर सके गवर्नमेंट। और एक और टिप्पणी की है कि सर ऐसा सिर्फ बिहार में जो है कानून राज का सिर्फ नारा है, क्या आपको भी लगता है? कानून राज का नारा एज इन
मतलब कानून नहीं सिर्फ नारा है ये। हाँ मतलब पुलिस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लोगों का ध्यान तो खैर मतलब जेन्युइन तौर पर तो नहीं है उन चीज़ों पर, मतलब वो बस लाइमलाइट के लिए, हाँ कुछ इवेंट हुआ तो उसमें वो दिखाते हैं कि हाँ हम उस पर एक्ट कर रहे हैं, बट वो जेन्युइनली उस पर एक्ट करते नहीं हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए वोट लेने के लिए तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, इसके लिए आपको बेसिकली इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर सुधार आएगी तो लोगों को वो दिखेंगे। अगर अमीर लोगों के बच्चे, सरकारी अधिकारियों के बच्चे अगर जाते हैं सरकारी स्कूल में, इससे गरीब लोगों के बच्चों को भी बहुत सारे मोटिवेशन मिलेंगे, उनका भी बल बढ़ेगा, वो भी अच्छे से इसमें अपना दे पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि सभी को एक होकर इस विषय पे, क्योंकि शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, अगर शिक्षा जब तक नहीं होगा हम लोग नहीं सुधरेंगे। इसके कानून व्यवस्था पे कहा, हाई कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ एक नारा लगता है, तो कानून का क्या लगता है? जी नारा तो ये है, क्योंकि अगर नारा नहीं होता तो फिलहाल अभी जो व्यवस्था है, जो भी पटना हो चाहे जो भी जिला हो, वहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे शिक्षकों पे कोई ध्यान नहीं है, उनको पहले खुद एक अच्छे नॉलेजेबल होने की ज़रूरत है। तो कानून व्यवस्था पे भी आपको लगता है? जी आपका क्या कहना है? जी मतलब जब तक से सब लोग पढ़ेंगे नहीं एक साथ, गवर्नमेंट स्कूल्स में सब लोग एक साथ अच्छे से एजुकेशन मिलेगा नहीं, तब तक से सब राइज तो करेंगे नहीं, सब इक्वलिटी में आना चाहिए। और इक्वलिटी के लिए सब अमीर के भी बच्चे पढ़ें, सरकारी अफसर के भी बच्चे पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, अगर उसको एक साथ इक्वलिटी के साथ लेकर चला जाए तो सब कुछ सही होगा। और हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी और की है कि कानून व्यवस्था जो है अब सिर्फ एक नारा लगता है, तो उनके हिसाब से तो ये सही है। आपको भी लगता है? हाँ बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि अभी तक मतलब वैसा हुआ नहीं है, मतलब जैसे कि सब कुछ सही चले, एक नारा ही तो है एक तरह से अभी। ये क्या कहना है हाईकोर्ट के टिप्पणी पे? देखिए हाईकोर्ट का टिप्पणी एकदम सही बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के बच्चे जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक उन्हें लगेगा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल कैसा चल रहा है। वो तो पैसा कमा रहे हैं उनके अपने बेटे को विदेश दिल्ली मुंबई यहाँ पढ़ने के लिए, बच्चे जो गरीब हैं उन पे बिकता है कि क्या गवर्नमेंट में क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है। आजकल के दिल्ली में देख लो गवर्नमेंट स्कूल लगता है वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के बच्चे एक जाओगे तो एक प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा हाईफाई गवर्नमेंट स्कूल है दिल्ली में, वो बिहार में होना चाहिए। एक गवर्नमेंट को अच्छे तरह से एम्प्लॉय करना चाहिए कि स्कूल को एक एडुकेशन के थ्रू में ले जाना चाहिए। एक तो पहली बात तो आप टीचर ऐसा फैसिलिटी दो, बीएड दो, टीचर को ऐसा वैकेंसी दो कि एक एडुकेशन टीचर आए, यहाँ पे नहीं कि अंगूठा छाप लोग टीचर चले जा रहे हैं, प्यारवी करके टीचर में घुस जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पता, क्या पढ़ा रहे हैं आज तक बहुत बार मीडिया में आता है उससे पूछा जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, खुद कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एक किसी चीज़ का स्पेलिंग पूछ दो या मीनिंग बताओ नहीं बता पाते हैं। उस चीज़ को पहले आप सही करो, वो सही हो जाएगा, टीचर अपने आप सही हो जाएंगे, बच्चे खुद पे खुद एक एडुकेशन पे आ जाएंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल, हम लोग भी प्राइवेट स्कूल पढ़े हैं, ऐसा नहीं है लेकिन गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में क्यों नहीं जा रहे हैं? प्लस टू में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी सही है, उस तरह से स्कूल को आप बनाओ, एडुकेशन बनाओ सही मायने से, प्रॉपर मायने से एक स्कूल लगना चाहिए कि हाँ स्कूल है। और कानून व्यवस्था सिर्फ एक नारा लगता है, इस पर क्या कहना है? देख कानून व्यवस्था क्या बोला जाए, कानून के ऊपर कोई बोलना भी एक गुनाह होता है, वो आपको ही पकड़ लेगा। हाँ किस बेस पे, मतलब कि अगर आप ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे पता है कि बिहार बोर्ड की क्या स्थिति है। एक्चुअली बच्चे पढ़ने तो जाते हैं, और मतलब कि हाई क्लास में पढ़ना बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि चलो कुछ भी बन के निकल जाते हैं, जो लो क्लास है जो भी बच्चे जाते हैं पढ़ने तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स बैठते हैं पढ़ाने के लिए लेकिन वही पढ़ाते हैं जो उनको पढ़ाना होता है। बच्चों को क्या पढ़ना है उनसे उनके कोई मतलब नहीं है, बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं जो टीचर्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं। टीचर्स आते हैं सिलाई, और देखते होंगे सरकारी स्कूल में तो मैम लोग आ गई ठंड के दिन में उनका लेके वो स्वेटर वेटर बुन रहे, बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं। तो एक्चुअली सरकारी स्कूल की जो अभी स्थिति है, सरकारी अफसर के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्थिति सुधर सकती है? बिल्कुल सुधर सकती है, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या स्थिति है एक्चुअली सरकारी स्कूल की, ये पता होना चाहिए उनको, वो तो देखने आते नहीं है। हाँ देखने कब आते हैं, जब 10th की बोर्ड हो इंटर की बोर्ड हो तो आते हैं एक मिनट के लिए,
और देखा हाँ हाँ बच्चे चोरी तो नहीं कर रहे ना, बस उनका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली उन लोगों के बच्चे को भी यहाँ पढ़ाई करना चाहिए और ताकि उनको पता चले। तो जैसा कि आपने सुना, पटना के लोगों को शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने खुलकर बोला, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हाँ सरकारी अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो शिक्षा व्यवस्था सही हो सकती है, क्योंकि उनका भी ध्यान रहेगा और पढ़ाने वाले का ध्यान रहेगा और पढ़ने वाले को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। कानून व्यवस्था पर लोग बोलने से हिचक रहे थे, उन्होंने कहा कानून ऐसा है कि अगर आप कुछ बोल दो तो फिर कानून अपना काम कर लेगी। तो कानून व्यवस्था पर लोग बचते हुए नज़र आए, मगर बाकी टॉपिक पर सरकारी स्कूल सरकारी अफसर के बच्चों के सरकारी स्कूल में पढ़ने के टॉपिक पर वो खुलकर बोल रहे थे। आपने उनकी राय सुनी, आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है वो कितना सही है और कितना बिहार के हित में है, हमारे और आपके हित में है। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि टीचर्स बैठते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वही पढ़ाते हैं जो उनको पढ़ाना होता है। बच्चों को क्या पढ़ना है उनसे उनके कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे को भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि तब उनको रियलाइज़ होगा कि किस किस सिचुएशन से गरीब के बच्चे सफ़र करते। बिल्कुल सुधार सकते, उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या स्थिति है एक्चुअली सरकारी स्कूल की। मुझे यही लगता है कि अगर हाँ ऐसा हो तो शायद बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है एजुकेशन फील्ड में, वहाँ की इम्प्रूवमेंट होगी और वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी। तो एक साथ इक्वालिटी के साथ लेकर चला जाए तो सब कुछ सही होगा।